कल ही हम लोग को ईमेल आया स्कूल से, एंड स्कूल वालों ने बोला कि वो लोग बस सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज कितना हुआ बिल, हम क्या क्या लेने आए थे, मुश्किल से $50 का सामान, $300 का सामान लेके जा रहे हैं हम लोग। कल के DQ के बाद आज इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था कि मैं जिम आऊँ सुबह सुबह, क्योंकि यार कल इतनी सारी कैलोरीज खा ली थी। वैसे हमने एक मीडियम लिया था, यूजुअली हम लेते हैं स्मॉल, लेकिन हमने एक मीडियम लिया DQ का चोको ब्राउनी, और हम चार लोगों ने शेयर किया। तीर्थ ने भी बहुत सारा खाया है। Hey, what's up guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज मैंने जिम में किया है बैक और बाइसेप वर्कआउट, फिर से जो मैंने मंडे को किया था सेम चीज मैंने फिर से किया है आज भी। मैं अभी प्लान ऐसा कर रहा हूँ कि मैं हर एक मसल को वीक में 2 बार टारगेट कर रहा हूँ, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा मैं मसल को स्टिमुलस दे सकूँ। तो प्लान तो वही है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और आपको जानना है कोई, यू नो एनीबडी जो फिटनेस फ्रीक है और किसी को जानना है कि यार क्या वर्कआउट्स में स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, मेरा मील प्लान क्या है, तो मुझे मैसेज कर दो, DM में मैसेज कर दो, या YouTube कमेंट्स में डाल दो कमेंट, एंड देन आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू गाइस आउट। करंट टेम्परेचर अगर देखोगे तो 17 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बारिश जो है इतनी ज्यादा है, तो आज का वेदर बहुत ही ज्यादा क्लाउडी है, और आई डोंट नो कैसा होगा। अभी बिलीव नहीं करोगे, सुबह के बजे है 8:15, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा डार्क है बाहर कि बहुत ही ज्यादा लाउजी सा लग रहा है वेदर। मतलब बिल्कुल भी ऐसे कोई अपलिफ्ट करने वाला वेदर लग ही नहीं रहा है आज, और आज पूरे दिन भर बारिश होने वाली है, तो ऐसा ही रहेगा पूरा दिन भर का वेदर। और अब तो डेलाइट सेविंग भी एंड हो जाएगा, मतलब आई थिंक ये 1st week of November से हम लोग क्लॉक्स जो है 1 घंटा पीछे कर देंगे, तो उससे तो और ज्यादा अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। मतलब सुबह 7-8 बजे भी बहुत ज्यादा अंधेरा रहेगा, बहुत ही गंदा वेदर अभी आने वाला है आगे, बट ठीक है, जो है सो है, कुछ कर तो सकते नहीं है इसका। पर जो कर सकते हैं वो है ये अपना वर्कआउट आज के दिन में। जैसे देखो कि 411 कैलोरीज मैंने बर्न कर दिए जिम में, अबाउट 84 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज कर ली, एंड अबाउट 5,500 स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके हैं 3.85 किलोमीटर चल के। प्लान तो यही होता है कि 10 किलोमीटर चलने का कम से कम, बट मैक्सिमम जो होता है वो मैं कवर कर लेता हूँ जब मैं जिम में ही रहता हूँ, बिकॉज उसके बाद घर पे आने के बाद मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज पूरा दिन ऑफिस करना रहता है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बातें करते करते पहुंच गए घर, अंदर जाएंगे, टूटू को उठाएंगे, स्कूल भेजेंगे, क्योंकि आज है वर्किंग डे है, अंदर चलते हैं और टूटू को उठाते हैं। सो आज दो लोग व्लॉग बना रहे हैं, एक ये बना रही है व्लॉग अपने कैमरा में और मैं एक अपने कैमरा में बना रहा हूँ, और आंचल यहाँ पर नाश्ता बना रही है। क्या राइम हो गया ना एकदम, क्या मस्त राइम हो गया ना, दो लोग व्लॉग बना रहे हैं, आंचल नाश्ता बना रही है। क्या बन रहा है नाश्ते में टूटू के लिए? नाश्ता अपने लिए नहीं, अपना तो सैंडल होता है, टूटू के लिए I can see that. मतलब मुझे दिख रहा है तुमको कितनी नींद आ रही है, और टाइम हुआ है देखो 8:50, हाँ अभी तक नींद आ रही है मैडम को, देखो कितना क्लोजअप शॉट ले रही है वो तुम्हारा, क्या बात है। देखो तो इसके लिए नगेट्स, पराठी बनाऊंगी एक, और ऑमलेट। वेरी नाइस, ऑमलेट कांस्टेंट है लगता है इसका। आई स्टॉप माय व्लॉग। आपने बंद कर दिया अपना व्लॉग? ओके, आई विल सी इट, वेट 1 मिनट। और अगर आप लोग देख रहे हो हमने ऐसे डिशवॉशर खुला क्यों रखा है, क्योंकि हमने एक बहुत जबरदस्त हैक सीखा है। सो होता क्या है ना कि तुमने सिखाया, ऑफ कोर्स तुमने सिखाया। सो होता क्या है ना कि डिशवॉशर में जब भी आप बर्तन, मतलब हम लोग धोते थे ना, उसके बाद जब हम अगले दिन ओपन करते थे ना, जब सुबह हम लोग रात को चलाते हैं वैसे डिशवॉशर, सुबह ओपन करते हैं तो बर्तन गीले ही पड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों। नहीं, क्योंकि यहाँ पे बर्तन हाँ, स्टेरलाइज होते हैं, और स्टेरलाइज होने के बाद वो पूरा गर्म होते ना, फिर गर्म एनीथिंग वो वापस वो पानी छोड़ देते हैं, पूरा वेपर उसके, वो आपने साइंस पढ़ी है ना, वैसे पूरा गीला हो जाता है। पढ़ाई की कौन बात कर रहा है, देखो बहुत पंगे ले रहा हूँ मैं। एनीवेज तो होता क्या है ना कि हमने फिर क्या शुरू किया कि जब मैं उठता हूँ ना सुबह जिम के लिए अराउंड 4:30-5 बजे के आसपास, तो मैं इसको खोल के रख देता हूँ डिशवॉशर को, ताकि वो ड्यू जो है वो जमा ना रहे, और ऐसे खुले खुले रहने में ना बर्तन काफ़ी सूखे निकलते हैं। ये देखो, अब अगर आप देखोगे ना कोई भी बर्तन पूरी तरह से, देखो ए इसमें गीला है, ये देखो हो गई बेस्ती। एनीवेज बट अदरवाइज आप बाकी के देखोगे ना, ये देखो ये सारे देखो ये सूखे निकलते हैं, तो इट्स जो गीला वाला पार्ट कट कर देना, जो गीला वाला वो एडिट नहीं करेंगे अपन यार, प्लीज ऐसे नहीं करेंगे अपन, सच बताएंगे। देखो ये भी सूखा हुआ है, तो सारे बर्तन सूखे हुए निकलते, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। ये देखो जो टूटू ने निकाला है हम लोग का व्लॉग, अपने कौन से चैनल पर डालेगी मुझे नहीं पता। सी यू कैन सी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये भी रिकॉर्ड कर रही है। शायद, यू नेवर नो,
बट एडिटिंग मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी एक चैनल का एडिट करते करते मैं थक जाता हूँ। सुबह उठने से कौन खाना शुरू कर देता है बिना ब्रश किए? सिर्फ ये लड़का आ अभी मैं आता हूँ, टूटू दीदी को छोड़ के आता हूँ स्कूल, फिर आपको ब्रश कराते हैं, ठीक है? आई गुड बॉय। कुछ तो बात है क्योंकि हम लोग को एकदम परफेक्ट पार्किंग स्पॉट मिली है, यहाँ पर पार्किंग है और यहाँ पर इसका स्कूल है, तो एकदम सिंपल हो जाता है अंदर जाने के लिए। बाय, आई लव यू, हैव फन, बाय। मुझे लगता है अभी पूरे साल भर मुझे ऐसे इतने प्यार से इसको बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि कल ही हम लोग को ईमेल आया स्कूल से एंड स्कूल वालों ने बोला कि वो लोग बस सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज उनका जो बस का जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। तो होता कैसा है ना, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर के रेडियस में या 1.3 उसके रेडियस में अगर आपका घर है तो आपको बस मिलेगी बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आपका घर उससे थोड़ा सा बाहर है, जैसे हमारा घर जो है वो 1.6 किलोमीटर के रेंज पे आता है, तो उस केस में एक ऑप्शन होता है कर्टेसी के लिए अप्लाई करने के लिए कि प्लीज़ हम लोग को बस दे दो। हमने अप्लाई किया था स्टार्ट ऑफ द स्कूल के सीज़न में एंड कल हम लोग को ईमेल आया ये बोल के कि यू नो उनकी जो बसेस है वो सारी फुल हो चुकी है, तो उस वजह से हमको कर्टेसी बस नहीं मिली है। मैंने कल प्रिंसिपल से भी बात किया, बाद में जब मैं स्कूल छोड़ने आया था इसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर किसी तरह से हम लोग को कर्टेसी बस मिल जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज अभी जो आने वाले मंथ्स हैं, जो विंटर के मंथ से जब स्नो होगी तब इतनी ज़्यादा स्नो होगी कि उसमें ना एवरीडे निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जब आप ऑफिस कर रहे हो, कभी कभी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है सुबह 9 बजे के आसपास, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि बच्चे को आके छोड़ने के लिए, स्पेशली स्कूल में, तो लेकिन वो थोड़ा सा अभी उसको मैनेज करना पड़ेगा, अपनी मीटिंग्स को थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करके काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो ऑप्शन है इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। मतलब हमको ना कोई बस मिलेगी, ना यहाँ पे कोई प्राइवेट बस सर्विसेज है जो हम ऑप्ट कर सकते हैं, जो मुझे पर्सनली सेफ भी नहीं लगती है, बट वो ऑप्शंस भी नहीं है हमारे पास, तो मुझे ही आना पड़ेगा इसको पूरा साल भर छोड़ने के लिए। और आई थिंक आने वाले सालों में भी, या जब तक हम लोग घर मूव करते हैं किसी दूसरे घर में जाते हैं जो थोड़ा दूर हो एंड वो स्कूल से थोड़ा सा डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो शायद हमको बस मिल जाएगी, लेट्स सी। तो भाई मेरी चल रही थी ऑफिस की मीटिंग और आंचल भी बिजी थी अपनी ऑफिस की मीटिंग में, तो तीर्थ को संभालने के लिए मैंने कहा वो बहुत शोर कर रहा है तो और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास, मैंने उसको सिर्फ चुप कराने के लिए मैंने दे दिया पीनट बटर का डब्बा कि वो बैठ के खाता रहेगा। उसने क्या अपना हाल बनाया है, ये देखो टिक्की क्या कर दिया है इसको, इस लड़के का पूरा मुंह देखो और इस लड़के के हाथ देखो, टिक्की हाथ दिखाओ, ये देखो पूरे गंदे कर दिए इसने, नॉटी बॉय, इसको देखो कितना मस्ती कर रहा है, पूरे अपने कपड़े भी गंदे कर दिए। और बाय द वे आई थिंक मैंने आपको बताया नहीं, ये जो इसकी टी शर्ट है, टिक्की दिखाओ टी शर्ट दिखाओ आपकी एक मिनट, ये देखो ओ आई लव यू डैडी वाली, अच्छा ये दे रहा हूँ देखो ये रोता है, इससे ले लो। तो ये जो ओ आई लव यू वाली डैडी जो टी शर्ट है इसकी, ये टी शर्ट एक्चुअली में इसकी नहीं है, ये टी शर्ट है टूटू की। टूटू मेरे ख्याल से जब आई थिंक फर्स्ट बर्थडे पे या शायद फादर्स डे के टाइम पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आंचल को याद रहेगा मैं उसको पूछ के बताऊंगा, लेकिन उस वक्त हमने बनाई थी टूटू के लिए और टूटू ने मेरे को लगता है एक या दो बार पहनी थी, उसके बाद हमने ये संभाल के रख दी थी टी शर्ट, क्योंकि हम लोग को चाहिए था कि ये वैसे उस वक्त प्लान तो नहीं था कि ये दूसरा बच्चे का, लेकिन हमने सोचा था कि संभाल के रखेंगे कि एक मेमोरी बना के रखेंगे कि इस बच्चे की जो कपड़े हैं हमने संभाल के रखे हैं एक याद रहेगी हम लोगों के पास, ठीक है। वो किया हमने और जब ये दूसरा लड़का हुआ, मतलब ये हुआ, उसके बाद हमने इसको पहनाया। टूटू को एक साल के बाद ये टी शर्ट नहीं आती थी, ये लड़का 1.5 साल का हो गया है, इतना हिट एंड फिट ये लड़का है असली में कि इसको ये टी शर्ट 1.5 साल में भी आ रही है। चलने भी अपनी मीटिंग खत्म करके अभी जस्ट उतरी है वो। हमने टी शर्ट कब ली थी, मैं सबको बता रहा था, ये टी शर्ट टूटू की जो हमने संभाल के रखी थी, कब कौन से मंथ मिली थी, जब टूटू कितने साल की थी, साल That was on the first Father's Day. हाँ, मैंने बोला first Father's Day या first birthday, मैं दो में confused था. First Father's Day and she was 9 months old. 9 months. और ये इसने कितनी बार पहनी थी टूटू ने? उसने एक या दो बार पहनी है क्योंकि उसको आती नहीं थी बाद में. मैंने वही बोला. ये लड़का 8 and 8 है हमारा. ये 1.5 साल का है and he still wears it. And that girl 9-10 months was like max. Max ना, उसका उसने नहीं पहनना बंद कर दिया. You look like one monkey. कितना गंदगी करने का इतना शौक है ना, मस्ती दिन ब दिन बढ़ती जाती है। I'm busy from 1 to 4 back to back. Okay. So, खाना बताओ। खाना तुम कुछ भी बना दो, I'm okay with anything. अब तुम बिजी हो तो क्या कर सकते हैं, मैं रेस्टोरेंट का खाना खाने वाला बंदा हूँ नहीं, मेरे को पसंद नहीं, घर का खाना खाना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो अब क्या बनाएगी मुझे नहीं पता, वैसे मैंने अंडे बॉईल कर दिए हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मीटिंग कैसा सीन है, वरना फिर मैं तुमको बोलता था अंडा भुर्जी बना दो। अरे वो तो मेरा फेवरेट है यार, वो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बस बॉईल अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है चलेगा तो बना दो, वही चलेगा। तो आज फिर से वही पुराना अपना सादा सा खाना खाएंगे,
ठीक है, बट लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी, मेरे को अच्छा लगता है वो. ओके आई विल गिव यू ऑप्शन. ओके गिव मी ऑप्शन. आई विल आई विल इसको ले लो पहले. नो ही वांट्स दिस. हां तो दे दो उसको फिर. आइदर यू ईट एग पराठा. ओके और आई कैन ऑर्डर यू चिकन बिरयानी. नहीं 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 एग पराठा. हाँ अरे भाई बहुत बाहर का खाना खाना हो रहा है. कल रात को भी जो हमने वो खाया है DQ का, करेक्ट, मैंने वो खाने के बाद मैंने जिम में जाके इतना कैलोरीज बर्न किया है कि मैं वापस से बाहर खाना नहीं खाना चाहता हूँ यार. मेरे को घर का खाना दो. आई एम मोर देन हैप्पी घर का खाना खाने के लिए. आई नो मी टू. है ना, तो भाई छोटा सा पंगा हो गया. पूरा प्लान बना दिया था हम लोग ने. आंचल ने जो था वो पराठे बना लिए थे. उसने बोला था उसका कॉल रहेगा, तो मैं को बोला था उसने कि मैं ऑमलेट बना दूंगा. तो अब टाइम हुआ जैसे डेढ़, मैंने सोचा चलो ऑमलेट बना देते हैं. आंचल भी अपने कॉल में बिजी थी, अभी नीचे उतर के आई है क्योंकि मैंने उसको बताया क्या पंगा हुआ है. तो जैसे मैंने फ्रिज खोला अंडे निकालने के लिए, सबसे पहले नीचे का एक शेल्फ खोला, देखा अंडे नहीं है. ऊपर का शेल्फ खोला, देखा सिर्फ एक ही अंडा बचा हुआ है. तो मैंने कहा ये तो पंगा हो गया, अब ऑमलेट कैसे बनेगा. तो आंचल फिर नीचे आई और उसने बोला कि एक काम करती हूँ, मैं तेरे लिए एग जो बॉयल्ड करे हुए हैं उसी का एक रोल बना देती हूँ. और ये कल हमने बाहर से जो खाना एक मंगाया था, कल मंगाया था, कब मंगाया था, परसों मंगाया था, तो वो बचा हुआ था. तो हमने कहा चलो यार वो दाल पड़ी हुई है तो वो उसके साथ खा लेगी और मैं एग का रोल खा लूंगा. तो अब जो ऑप्शन है वह यही है. तो इसी बहाने आपको एक कॉस्को टूर बहुत जल्दी मिलेगा. हाँ बिकॉज आई थिंक कॉस्को जाना बहुत जरूरी है. अब यूजुअली होता नहीं है ऐसे कि हमारे घर में अंडे खत्म हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि हमारे घर में अंडे नहीं है. वो भी ऐसी चीज, वो भी जब जरूरत, हाँ वो भी ऐसे टाइम पे जब सबसे ज्यादा जरूरत है अंडे की, तो वही नहीं है अभी इस घर में. तो अभी आंचल बना रही है देखो मेरे लिए ये एग रोल जो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है. उसमें उसने क्या क्या डाला है, ये मेयो डाला है, केचप डाला है और बॉयल्ड एग डाले हैं. अरे वाह, तो आज मजा आ जाएगा. और अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या खाता हूँ खाना, मतलब ऐसे अंडे का रोल कौन खाता है, बॉयल्ड एग अंडे का, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जो खाना खाता हूँ आई डोंट ईट फॉर प्लेजर. मैं खाना खाता हूँ फॉर अ पर्पस, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को प्रोटीन मिलना है और कार्ब्स मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो प्लेजर के लिए होता है. मेरे लिए प्लेजर मतलब मीठा, ठीक है, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं केक खाऊंगा, दैट इज माई प्लेजर. मेरे को खाना जो रहता है वो आई एम ईटिंग ओनली फॉर अ पर्पस, कि प्रोटीन मिलना चाहिए, कार्ब्स मिलना चाहिए, फैट्स मिलना चाहिए, एंड आई एम डन. दैट्स माय ओनली मोटो टू ईट फूड. और हम आए हैं स्कूल से इसको पिकअप करने के लिए. और रेगुलर रिचुअल जो है हमारा, पार्क में आना और इसका मंकी बार करना. और ये कितना अच्छा करने लग गई है मंकी बार, देखो. गुड जॉब, कीप डूइंग, कीप डूइंग. वाओ, टू गुड. एंड टेक अ स्माइल. और ये लड़का देखो जैसे घर पे करता है वैसे यहाँ पे पार्क में भी करने लग गया है. ऊपर चढ़ के जा रहा है, वो बच गया. जाओ जाओ ऊपर जाओ, आ जाओ स्लाइड करके नीचे आ जाओ. टेम्परेचर है 21 डिग्रीज और यहाँ पे इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं. यहाँ पर अगर आप देखोगे कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं आज. और जहाँ तक मैंने वेदर चेक किया है अगले हफ्ते से, ट्यूजडे से, द लोवेस्ट टेम्परेचर जो जाएगा वो जाएगा -1 -2 एंड हाइएस्ट जो जाएगा वो जाएगा आई थिंक 6 या 7 डिग्री. तो ये लास्ट के कुछ दिन है जो अच्छे से एंजॉय करने मिल रहा है. ओ माई गॉड, लुक एट यू. अरे बाप रे, यू डोंट गेट स्केयर्ड? वाओ दैट्स स्केरी दो. और ये क्या नया तूफान करने लग गए. ओ माई गॉड, ओ माय गॉड, ये मस्ती देखो इन लोगों को. चलो भाई हो गया है टाइम, चले घर, चले टिक्की, टिक्की घर चले, घर चले. एंजॉय द चाय. कॉल पे बिजी हूँ मैं, इसके लिए मैंने बना दी. तो फाइनली आई हो तुम अभी नीचे. चाय का क्या हुआ? पड़ी हो गई. ओ पिया क्यों नहीं तुमने अभी तक? कॉल. इतना कितना काम है यार. बहुत काम है अभी, तो ये मेरे को छोड़ जाए तो पार्टी अभी कल करूंगी. ओफो अभी तुमको गरम करना पड़ रहा है, वो चाय में मजा ही नहीं आएगा. इतना ज्यादा काम पड़ा है ना, मंडे लॉन्च है ना, तो वही बोल रहा हूँ ना, फिर वो चाय में मजा ही नहीं आएगा तुमको जो मैंने इतने प्यार से बना के दिया. इसने फिर अपने आप को पीनट बटर खा के गंदा कर दिया. तो ये देखो पूरा खत्म कर दिया इसने पीनट बटर. देखो अब अपने घर में पीनट बटर नहीं आएगा. ऐसे कैसे नहीं आएगा यार, वो लड़के को पसंद है ऐसे कैसे नहीं आएगा.
सब आएगा पीनट बटर। तो हम लोग आ गए हैं कॉस्को, जैसे बताया आप लोगों को कि बहुत सारा सामान वामान खत्म हो गया था, तो कॉस्को आगे लेने के लिए फेवरेट जगह हमारी। और एक चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी जो मुझे आप लोगों को दिखाना है, अगर कोई भी इस वक्त ड्रोन लेने के लिए मार्केट में है, कनाडा में है, तो उस पर एक बहुत अच्छा ऑफर है कॉस्को में, DJI का मिनी 3 प्रो जो है उस पर मिल रहा है आपको $100 ऑफ। तो ये वैसे इसका रिटेल प्राइस है $999.99, मतलब $1000, लेकिन इस पर $100 ऑफ होकर आपको $900 प्लस टैक्सेस में मिलेगा। तो बहुत अच्छा डील है, अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो डेफिनेटली कंसिडर कॉस्को आपको अगर खरीदना है तो। ये हमारी दिवाली होती है, वैसे यहाँ पर क्रिसमस होता है ना चल, तो ये क्रिसमस के सारे ऐसे जो रेडीमेड पैक गिफ्ट पैक जो है वो आ गए। ये देखो, ये वाला एक ऑप्शन है गिफ्ट पैक जो हम लोग दिवाली में देते हैं हमेशा लोगों को, ये वाला है जो इंडिया में दिवाली यहाँ पे क्रिसमस है। हाँ, तो ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे किसी को गिफ्ट देना है तो अगर दिवाली के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग ये गिफ्ट। हाँ, है ना, टाइम सेम है, टाइम सेम है। हाँ, कभी भी कॉस्को आओ, 200-300 से कम कोई बिल हो जाए जिस दिन, उस दिन मैं आपको ट्रीट दूंगी। ऐसा है यहाँ का, देख लो हम लेने आए थे, यहाँ दिखाओ, हम लेने आए थे अंडे और चिकन और शायद दही, लेके जा रहे हैं इतना सब चीजें, क्या क्या लेके जा रहे हैं देखो, अभी नीचे भी है, तो गारंटी है दोस्तों 200 से कम बिल नहीं है। आओ देखते हैं बिल कितना बना है, 250 हो सकता है, चलो देखो ना, देखते हैं कितना बिल बना है, दिखाते हैं आपको। लिंक स्टार्ट हो गई, बताओ कितना होगा, तुम बताओ, मैं बोलूं 300। ये देखो अभी कितना यहाँ पर चालू है बिलिंग, मुझे लगता है $300 तो होगा ही होगा, 280। लेट्स सी किसका सबसे क्लोजेस्ट होता है, वी आर गेटिंग द बिल, या वी ऑलवेज प्ले दिस गेम, हु इज गोना गेट द क्लोजेस्ट टू द बिल। कितना हुआ बिल, 294। दिखाओ, ओ माय गॉड, $294। हम क्या क्या लेने आए थे, मुश्किल से $50 का सामान, $300 का सामान लेके जा रहे हैं हम लोग। इसलिए मैं रिफ्रेन करती हूँ कॉस्को आना, और मेरा तो फेवरेट जगह है कॉस्को का। हाँ, क्योंकि आई थिंक हर घर में होता है ना कि आप डिवाइड करते हो, ये पोर्शन तुम्हारा संभालना, हाँ। खर्चे लाइक डिवाइड खर्चा करना, तो हमारे घर में जो ग्रोसरी आइटम है, बड़े बड़े कॉस्को आइटम है, ये सब मेरे भी लाते हैं। तो इसलिए आई हेट कमिंग टू कॉस्को एंड ही एंजॉयज इट थरली एंड आई लव लिविंग इन द हाउस बिकॉज ही पेज द मॉर्गेज।